गुड मॉर्निंग क्लास टू। हिंदी सृष्टि की बुक और हिंदी सृष्टि की कॉपी निकाल लीजिए। आज हम बुक में अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे, पेज नंबर 90 पे। तो हिंदी की सृष्टि बुक निकाल लीजिए, उसे ओपन कर लीजिए। यह प्रश्न पत्र फर्स्ट, पेज नंबर 90। तो पहले आप हिंदी की कॉपी भी निकाल लीजिए, उसे ओपन कर लीजिए। यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र फर्स्ट, क नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। नीचे जो शब्द लिखा है इसके समान अर्थ वाले शब्द लिखे हैं। कॉपी बुक में स्पेस नहीं दिया है तो हम इसे कॉपी में लिखेंगे। देखिए मैंने कॉपी में लिखा है, क नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। सूर्य, सूरज, मित्र, दोस्त, वृक्ष, पेड़, बच्चा, बालक, ये पहला का है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। खुशी का, दुख, हंसना, रोना, चालाक, बुद्धू, कमजोर, ताकतवर, ये ख का है। ग इसी तरह देखिए नीचे लिखा हुआ है, ग प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के लिए के लिंग बदल कर लिखो। यहाँ लिंग बदल कर लिखना है। ग शेर का, शेरनी, चाचा, चाची, बहन, भाई, बूढ़ा, बुढ़िया, इस तरह से लिखेंगे आप अपने कॉपी में। फिर इसके नीचे ही घ प्रश्न है, घ क्या, नीचे लिखे शब्द में से एक के अनेक लिखो। एक के अनेक कहने का मतलब है पर्यायवाची शब्द, इसे हम लिख सकते कहते हैं। जैसे रात का रजनी, निशा, रात्रि, रात का क्या होता है पर्यायवाची शब्द या एक के अनेक शब्द। रजनी, निशा, रात्रि। पत्ती का पत्ता, पात, पाती। तितली का तीतर, तीतल। मेज का टेबल। तो इस तरह से मैंने लिखा है, आप भी अपने कॉपी में इस तरह से लिखेंगे क्योंकि बुक में स्पेस नहीं दिया, इसे सिर्फ कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद है, नीचे लिखे सही वर्ण पर न या चंद्रबिंदी लगाकर शब्द पूरा करो। जैसे यहाँ देखो आंख लिखा तो आंख, चांद, गंदा, मंत्री, ये हो गया। फिर दूसरा, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य पूरा करो। जन्मदिन, आज तुम्हारा जन्मदिन है। सूरज, सूरज दिन में निकलता है। तो इस तरह से आप अपने कॉपी पे इसे लिखेंगे। अब आइए बुक पे। दो का ये हो गया, क ख हम कर लो करेंगे। नीचे लिखे सही शब्द छाटकर वाक्य पूरा करो। राजन ने दिशांत को की बधाई दी। किसकी बधाई दी, जन्मदिन की या लड़ाई की, तो जन्मदिन की बधाई दी। हम लिखेंगे जन्मदिन, जन्मदिन। कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे, मित्र थे। आसमान की में, आसमान की थाली में, थाली में। पेड़ों पर कितने सुंदर आम लटक रहे थे या जामुन लटक रहे थे। यहाँ हम आम भी लिख सकते हैं और जामुन भी, तो मैं हम जामुन लिख दे, आम लिख रहे हैं। नीचे तीसरा प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। सूर्य हमें क्या देता है, तो इसका आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखवा दिया गया, वहाँ से आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ख उचित विकल्प चुनो। ध्वज को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, झुकाना, उठाना, फरहाना, झुकाना, क्या नहीं करना चाहिए। हमें ध्वज को, अपने ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी झुकाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आइए। गीदड़ ने किससे कहा, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है। गीदड़ ने किससे कहा, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है। गुफा को। कृष्णा कहाँ के राजा थे, द्वारिका के। नमन और उसके दोस्तों ने क्या प्रण लिया, नई दिवाली मनाने का। संयुक्त व्यंजन बनाकर लिखो। जैसे ये तो इसमें बच्चा लिखे, एक हम मैंने लिख दिया, एक आप लिखेंगे अपने से। ख किसने किससे कहा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं,
गीतड़ ने गुफा से कहा कि मैं अंदर आ जाऊं। तो इसका किसने किससे कहा, ये आपको कॉपी में लिखवा दिया गया होगा प्रश्न उत्तर की कॉपी में, तो ये वहां से लिखेंगे और इसको याद करेंगे। पांचवा, मेरा पालतू जानवर या मेरी प्यारी माँ विषय पर 5 लाइन लिखो। तो इस विषय पर अपने से आपको 5 लाइन लिखना है। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र, अभ्यास पत्र पहला कंप्लीट हो गया, मैंने कॉपी में लिखवा दिया बाकी बुक में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको अपने से करना है, तो इस तरह से आप अपने बुक में इसे करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू।